प्रणव, मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है वह इस घर में सेफ नहीं है। देर है, दुरुस्त है। अकल तो आई तुम में। मैं तो पहले ही कह रहा था तुम्हारी माँ की जान खतरे में, पर चिंता मत करो, यहाँ पे सेफ है। जैसे मैं तुम्हारी फैमिली के साथ, स्पेशली तुम्हारी बुआ के साथ। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और की तरह चालाक, खुद गर्स और पूरी नहीं है। मुझ तक पहुँचने के लिए उन्हें हर्ट करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दो। क्या बात है, आज तो एक बार में ही मान गए, कमाल ही हो गया। मैं हर उसकी बात मान लेता हूँ जो ढंग से बोले, जो तुम नहीं बोलती। छोड़ो, मुझे आज तुमसे बहस ही नहीं करनी है, बात यहीं खत्म। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। चलो, माँ मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप अपना ध्यान रखना। वहाँ मासी को भी आपकी ज़रूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, उन्होंने आपको बुलाया है। अब वहाँ उनके पास रहोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर बेला, मेरा दिल कह रहा है कि इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, तुमसे दूर नहीं बेटा। अब बेला की चिंता मत कीजिए, उसका ख्याल मैं रखूंगा। सुनो, बस यहाँ से सीधे गांव जाएगी, तुम बीच में कहीं नहीं रोकोगे। ओके सर। इन्हें सीधे गांव छोड़ोगे और कोई और पैसेंजर को साथ में नहीं लोगे। ओके। गांव पहुंचते ही तुम मुझे फोन करना, ठीक है? ओके सर। माँ, आप मुझे हर एक पल ना मैसेज करते रहना, तो मुझे पता रहेगा कि आप ठीक हो, मुझे तसल्ली रहेगी। हाँ बेटा। बेला, मुझे पता है तू मुझे यहाँ से दूर भेज रही है क्योंकि तुझे लगता है यहाँ मुझे खतरा है, पर तुझे नहीं पता वो खतरा तो मैं ही हूँ। आइए। कम से कम अब माँ खतरे से दूर है। मेरी माँ और मेरे रिश्ते पे कमेंट मत करो। इस धरती पर सिर्फ वही हैं जो मेरी हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो। ऐसे ही मासूम बन के फंसाती हैं। मुझे कमजोर नहीं होना है, पर अभी शायद हम दोनों का दुश्मन एक ही है, पर जैसे ही वो दुश्मन खत्म, हम दोनों का बदला शुरू। अब ये क्या था? ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने तो कहा था मत आओ माँ को छोड़ने। मना किया था ना, मैं छोड़ दूंगी। हाँ हाँ, तुम तो सुपर स्ट्रांग हो, अकेले ही खतरों से लड़ना, खतरनाक प्लान बनाना, ये सब तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। लगा तुम्हारी माँ प्यारी है, अच्छी है, तुम्हारी जैसी है।
क्या लगता है तुम राक्षस बहुत महान हो? जरूर नकापुष तुम्हारा ही दुश्मन होगा। तुम लोगों के राक्षसी काम दुश्मन कम थोड़ी होंगे तुम्हारे। इसलिए मैंने माँ को यहाँ से दूर ही भेज दिया। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई इन राक्षसों के बीच। अपनी मर्जी से फंसी हो? जी नहीं, ना फंसी अपनी मर्जी से और ना ही पहले फंसी थी। मैं तुम लोगों को रोकने आई थी ऐसे अस्त्र मिलने से। बाबा को ऐसे अस्त्र मिलता तो उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते। वो सही थे, अच्छे थे, अच्छे पिता, अच्छी सोच। वो सही थे और तुम गलत। जा रानव, जा पेड़ के पास जा। तू जैसे ही वहां पहुंचेगा मैं रस्सी खींच दूंगी और ये कुल्हाड़ी छोड़ दूंगी। उन्हें अगर 80 अस्त्र मिल जाता तो आज राक्षस सारे सुख शांति से जी रहे होते, ये मारकाट नहीं करते। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि तुम धोखा दोगी और मैं मर जाऊंगा? आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। मिल क्या मुझे ये? एक बार और दुश्मन के अंत का शक्तिशाली हथियार। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया, पर मैंने किया। ये लो। तुम्हारे कहने पर मैंने अश्वत्थ को मार दिया। पावर पाने के लिए खून बहाना पड़ता है और कभी कभी अपनों का भी। काम तो बहुत अच्छा किया तुमने, जश्न तो बनता है। अवसासी अस्त्र की ताकत से मैं राक्षस लोक पर राज करूंगा और तुम परी लोक पर। मैं रानी परी को मार दूंगी। नफरत है मुझे उससे। उसे मारकर राजपाट हासिल कर लूंगी। मैं बनूंगी रानी। उसके सिंहासन पर सिर्फ मेरा हक है। हम दो ताकत एक साथ तो हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। अस्त्र कहां गया? कहां गया अस्त्र? कहां गायब हो गया अस्त्र? कहां गया? तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। तुमने चुराया अस्त्र। सोचना भी मत। मुझे पहले सोचना चाहिए था कि जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा क्या होगा। तुमने अस्त्र चुराया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। बस कर। बहुत हुआ नाटक। अस्त्र तुमने चुराया है, वापस लौटाओ उसी अस्त्र को।